गुजराल मेंशन में दिखाई दे रहा है जश्न का माहौल। रात्रि और राघव की रिसेप्शन पार्टी में माधुरी और अवि भी लगा रही हैं जमकर ठुमके। वैसे वक्त तो है ही डबल सेलिब्रेशन का, क्योंकि एक तो राघव की मर चुकी माधुरी लौट आई है और साथ ही रात्रि से उनकी शादी भी हो चुकी है, तो है ना सेलिब्रेशन का ये डबल डोज। हर कोई इस जश्न के माहौल में रंगा नजर आ रहा है। देखिए रात्रि का मूड पहली बार बिना कोई साजिश रचे भी हैप्पी हैप्पी नजर आ रहा है। वहीं अवि भी अपने पापा की दूसरी शादी होने की खुशी में जमकर डांस कर रही है, साथ ही राघव भी नाचते नजर आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि राघव नाच तो रहे हैं लेकिन परेशान क्यों लग रहे हैं और उनके साथ ये नया शख्स कौन है, तो आपको बता दें कि इस खुशी भरे माहौल में गुजराल मेंशन में राहु यानी राहुल की एंट्री हो चुकी है। अगर कोई भी बात कभी समझ में ना आए तो एक बात समझ लेना कि इसका कर्ता धर्ता सिर्फ और सिर्फ श्रीमान राहुल गुजराल ही है। और ये शख्स रिश्ते में हमारे राघव जी के भाई लगते हैं। मेरे भाई कम दोस्त कम कजिन कम पार्टनर फ्रेंड, पहले तो लगता है यार हमारा खून का रिश्ता नहीं दिल से दिल का रिश्ता है। जी हाँ, राहु उर्फ राहुल का गुजराल मेंशन में आने का मकसद क्या है, ये बात हम खुद माधुरी और राघव से ही जान लेते हैं। राहु की एंट्री फिलहाल गुजराल मेंशन में हो गई है और उसके एक साइड इफेक्ट्स हैं जो हमारे राघव जी पर हुए हैं और कॉन्सिक्वेंसेस उसके माधुरी जो है ना उस पर हो रहे हैं। राहु करेंगे वो राघव के साथ करेंगे, बट राघव के साथ करेंगे इवेंचुअली क्यों, ताकि वो इन पर राघव कुछ कर पाए। कुछ तो सस्पेंस है, कुछ ट्विस्ट हैं जो नए आए हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी बहुत जम के नाच रहे थे राहु के साथ। हाँ, एक्चुअली हमने कस के गले भी लगाया, सालसा स्टेप्स किए। वैसे माधुरी आप हमें बताइए जरा कि अपने पति की दूसरी शादी के रिसेप्शन में आकर आपको कैसा लग रहा है, हम भी तो जाने आखिर आपकी इस खुशी की वजह क्या है। ये मेरी बीवी है जो मेरे दूसरी शादी के रिसेप्शन में इनवाइटेड है। नाच रही है ठुमके लगा लगा के और सज धज के आई है। कमाल करती, कैसे कर लेती है बीवी हो तो ऐसी। आपने देखा मेरे रिसेप्शन में मेरी छोटी बेटी भी है जो इनवाइटेड है। हमेशा बोलते हैं पापा आपने शादी में मुझे नहीं बुलाया, ये वो लड़की तो कभी नहीं बोल पाती पापा आपने शादी में नहीं बुलाया और मैंने भी आपकी शादी अटेंड की थी। राघव आपने ये बात तो सही कही कि आपने अपनी अवि के बिना बोले ही ख्वाहिश पूरी की है, पर जरा ये बताइए कि आप नाचती हुई माधुरी को बीच स्टेज से खींचते हुए आखिर क्यों ले गए। वो इसलिए ले जाता हूँ, वही पॉइंट है कि मैं वो उसे क्यों लेके जाता हूँ, बिकॉज मुझे कुछ पता चल जाता है। और जैसे कि मैंने हमने आपको बताया कि जो राहु राघव पे करेगा उसका असर राघव के साथ साथ माधुरी पर भी होगा। सो दैट्स वन ऑफ द स्टेप और वन ऑफ द आई मीन इट्स द एस्टैब्लिशमेंट वेयर यू विल गेट टू सी आगे वॉट राघव इज़ गोना डू, विच इज़ वेरी रेयर। आई मीन हाउ राघव एंड माधुरी यूज टू बी इन दैट मैड लव। तो ये बात है, यानी कि अभी से राहु का असर दिखने लगा है। वैसे छोड़िए ये सब और इस स्पेशल फंक्शन पर अपने लुक के बारे में तो बताइए। ये दूल्हे राजा हैं और ये बहुत अच्छे से तैयार हुए हैं और मैं मतलब एस्टॉनिशमेंट ये है कि मैं अपने पति की रिसेप्शन के लिए तैयार हुई हूँ। और कायदे से जो मेरी अभी करंट बीवी है उससे ज़्यादा खूबसूरत और उससे ज़्यादा डेक्ड अप ये लग रही है। लेकिन माधुरी अपनी बच्ची की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। That's true. वैसे शो के करंट ट्रैक को देखकर तो यही लग रहा है कि ये राहु किसी तबाही वाले मकसद से आया है और ये मकसद क्या है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मुंबई से नवीन सिंह भारद्वाज की रिपोर्ट E24।